नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आज अपन बात करेंगे एंटोनियम सिनोनियम एंड वन वर्ड इंग्लिश ट्रिक के साथ। तो मित्रों वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसके माध्यम से आपको वन वर्ड एंड सिनोनियम्स पूरे याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे उनको जरूर देखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वन वर्ड एंड सिनोनियम्स याद हो चुके हैं। तो याद रखिए लॉजी का मतलब जहाँ भी आपको दिख जाए उससे स्टडी से रिलेटेड होगा। अब देखिए स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का अध्ययन क्या होता है, पैलेंटोलॉजी हो जाएगा। इसको याद कैसे रखें, फॉसिल्स यानी जो जीवाश्म होते हैं वो पौधों में ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी पौधों से क्या हो जाएगा, पैलेंटोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ द मून इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, सेलेनोलॉजी हो जाएगा। अब सेलेनो यानी वहाँ पे अब मून पे अध्ययन करने पहुँच गए और वो एक व्यक्ति जो था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल कर रहा था, बेच रहा था किसी को, तो मना कर दिया दूसरे व्यक्ति ने कि सेल नो, यानी यहाँ पे तुम सेल मत करो, अपन अध्ययन करने आए हैं। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑफ एन एरिया, कोई एरिया में जानवरों को एक व्यक्ति अध्ययन कर रहा था और उसका बार बार क्या आ रहा था, फोन आ रहा था, फोन से क्या हो जाएगा, फोना हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ स्टेटिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो डेमोग्राफी हो जाएगा ह्यूमन की पॉपुलेशन यानी जनगणना के अध्ययन को। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ वुमेन्स डिसऑर्डर यानी ये हो जाएगा गायनेकोलॉजी, जहाँ भी आपको गायने दिख जाए उससे औरतों से रिलेटेड होता है। इसको याद कैसे रखें, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि औरतें गाय जैसी होती है और पर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि गाय जैसी नहीं होती है, यानी गाय नहीं, तो क्या हो जाएगा, गायनेकोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये जो औरतों में जो जब बच्चा जन्मता है तब बीमारी होती है उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक। इसको कैसे याद रखें, अब से वो क्या कहने लगे, ट्रिक्स के माध्यम से, अब से ट्रिक्स के माध्यम से बच्चा जन्मा जाएगा, क्योंकि बच्चा जब जन्मता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ नर्व डिसऑर्डर्स क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ हार्ट डिसीजेज क्या हो जाएगा, तो ये कार्डियोलॉजी हो जाएगा। और यदि आपको याद नहीं है तो हार्ट में आप देख लीजिए कार्ड अपन ऐसे लगाएंगे तो कार्डियोलॉजी हो जाएगा हार्ट के अध्ययन को। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ राइटिंग ऑफ डिक्शनरी क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा। लेक्सिको से आप यहाँ पे एम कर दीजिए, बस एम सोच लीजिए, एम से क्या हो जाएगा, मैक्सिको। अब भारत में तो डिक्शनरी इंग्लिश में आती है, याद नहीं होती, तो वो कहाँ चला गया, मैक्सिको चला गया, मैक्सिको से याद हो जाएगा आपको लेक्सिकोग्राफी। स्टडी ऑफ बोन्स क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखें, ओसेट वहाँ पे तोड़ दी, ओसेट यहाँ पे तोड़ दी हड्डियों को, यानी ओसेटियो, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ बोन्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या हो जाएगा, इंटोमोलॉजी हो जाएगा। इसको कैसे याद रखें, अब इंसेक्ट्स वगैरह बार बार हमें परेशान कर रहे थे तो हमने क्या किया, उसको ईंटों से नीचे दबा दिया और फिर उसका अध्ययन करने लग गए। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ ओल्ड एज क्या हो जाएगा, जेरोंटोलॉजी हो जाएगा। अब ओल्ड एज यानी ओल्ड एज का अपन अध्ययन करने लग गए तो बार बार परेशान करते हैं जो ओल्ड एज के होते हैं लोग, तो उसको हमने क्या दे दिया, जहर वगैरह दे दिया, यानी जहर से हो जाएगा जेरोंटोलॉजी। मित्रों ये मैं आपको ओनली बिल्कुल ट्रिक ही बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं समझे कि मैं इनको गलत कह रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट मित्रों स्टडी ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एपिग्राफी। तो इसको कैसे याद करें, तो इसको देखिए मित्रों पुराने शिलालेखों, अब आराम से एक एपी होती है पीने की, तो एपी पीने लग गया और ग्राफ के माध्यम से ये पुराने शिलालेखों का अध्ययन करने लग गया। और स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या होता है, जूलॉजी होता है, ये तो आप आराम से जानते ही हैं। नेक्स्ट मित्रों कुछ सिनोनियम्स याद कर लेते हैं। एब्सेंस यानी अपन जानते हैं कमी, अब एब्सेंस यानी कमी होती है, तो इसको कैसे याद रखें, एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, क्या हो गई थी, डेथ से आप याद रखिए, डेथ यानी क्या होता है, अकाल, यानी एक व्यक्ति की डेथ हो गई तो जो उस कार सिटी यानी उस सिटी की जितनी कार थी वहाँ से चली गई और वहाँ कारों की क्या हो गई, कमी हो गई। जब कमी हो गई तो डेफिशिएंसी, तो मतलब अपन जानते ही है कमी। और अब आगे देख लीजिए एलिविएट यानी क्या होता है, कम करना, इसके जैसा ही सिनोनियम भी है इसका, अपन कह सकते हैं थोड़ा, तो एलिविएट क्या हो जाएगा, ऑल का वेट, यानी बहुत ज़्यादा लोगों का ऑल का क्या था, वेट बहुत ज़्यादा था, तो उनको वेट क्या करना था, कम करना था, तो एलिविएट हो जाएगा कम करना। अब इधर से याद करिए एले, एक एले नाम का लड़का था तो उसको दूसरे लड़के ने बुलाया, ए बैठ, एले आ जा तू, ए बैठ यानी क्या हो जाएगा, रोकथाम करना, और एले हो जाएगा कम करना, तो वो दोनों क्या कर रहे थे, रिलीव यानी रिलीव कर रहे थे आराम, तो रिलीव हो जाएगा। उसके बाद उनके जो घर का जो गेट था उसके सामने मिट्टी पड़ी थी, गेट के सामने यानी मिट्टी पड़ी थी, तो उस मिट्टी को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और जैसे ही उनने कही कि अब तो आपकी मर्जी है, एज यू एज कहते हैं ना, एज यू विश, तो इससे ये हो जाएगा एज यू एज यानी कम करना। नेक्स्ट मित्रों एक्वाइंटेंस यानी क्या हो जाएगा, जान पहचान। अब इससे याद रखिए आप एक्वागार्ड बेचने बहुत लोग आते हैं,
तो 10-10 यानी वो एक्वागार्ड 10-10 बेचने आया और सब लोगों से उसने क्या की, जान पहचान कर ली। और कहाँ पे जान पहचान करी, कॉलेज्यू, कॉलेज्यू यानी कॉलेज से आप याद रख लीजिए, कॉलेज्यू यानी जान पहचान कॉलेज में कर ली, कॉलेज्यू मतलब होता है सहयोगी, सहयोगी। और कंपेनियनशिप आप जानते ही हैं, भाईचारा हो जाएगा, असिस्टेंट और पार्टनर भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज यानी क्या हो जाएगा, जुर्म में साथ देने वाला। इसको कैसे याद रखें, अब एक व्यक्ति तो दोस्त था जो जुर्म में साथ देता है, उसके संग में हमने क्या खोली, एक कंपनी खोली, और जुर्म में साथ देता था तो वो हर चीज़ में साथ देगा, इस अनुसार ये आपको पूरे याद हो जाएंगे। तो मित्रों आप ज़रूर बताएं मेरे को, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे क्या बदलाव करना चाहिए, स्पीड को धीरे, स्पीड को तेज। आज तो सिनोनिम्स और वन वर्ड कम थे, पर अगले वीडियो से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा। तो मित्रों आप ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।